हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है और एक न्यूडे में। तो दोस्तों, आज के लिए मैं आपको पेपर एप्लीकेशन में आधार वेरिफिकेशन करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, कुछ लोगों को आधार वेरिफिकेशन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी को ओटीपी नहीं आ रहा है, कुछ और ही प्रॉब्लम आ रही है, तो इस पर मैं आपको सोल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो को इन तक देखना है और साथ ही में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसका दोस्तों आपको सिंपल से अपने फैम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे अपना फैम एप्लीकेशन ओपन हो जाता है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे गेट वेरीफाई करके एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल से इस वाले ऑप्शन में चले जाना है। उसका दोस्तों तीन प्रोसेस आता है। सबसे पहले प्रोसेस जो आधार वेरिफिकेशन, तो दोस्तों आपको आधार वेरिफिकेशन करके बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर दे, उसके बाद आपके सामने इस इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन है जो आपको पूरी करनी है। जैसे कि दोस्तों, फर्स्ट जो कंडीशन है आधार कार्ड वेरिफिकेशन की, यूर ऑन आधार नंबर, यानी कि दोस्तों आपका खुद का आधार कार्ड होना चाहिए और आपका खुद का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों, सेकेंड जो कंडीशन है, फोन लिंक टू योर आधार फॉर ओटीपी। आपके आधार कार्ड डालोगे आपका खुद का, जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर आपके पास ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों आधार वेरिफिकेशन करते समय आपके आधार कार्ड नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर ओटीपी आती है। इसलिए दोस्तों, ये सेकेंड कंडीशन है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपल से क्या करना है, स्टार्ट वेरिफिकेशन करना है। ये दोनों कंडीशन आपके पास कंप्लीट होगी तो आप जैसे ही टैप करोगे, आप सीधा अपने गूगल ब्राउजर में चले जाओगे और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा डिजी लॉकर करके। तो दोस्तों, यहाँ पे नया प्रोसेस आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटर योर आधार नंबर। यहाँ पे आपको सिंपल सा अपने आधार कार्ड पर नीचे जो भी नंबर होगा 4-4 डिजिट करके, वो नंबर यहाँ पे आपको डालते जाना है तीनों बॉक्स में। आप जैसे ही तीनों बॉक्स में आप नंबर डालोगे 4-4 डिजिट के, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आपको सिंपल सा टैप कर देना है। जैसे कि आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा आपके पास चाहिए, इस पर एक ओटीपी आएगी। वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपके पास ओटीपी आती है, ओटीपी यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अदर लोग को जो प्रॉब्लम आ रही है, आपके आधार कार्ड नंबर पर ओटीपी नहीं आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सोल्यूशन आपको दूंगा वो सोल्यूशन ऐसा है कि आपको आधार सेंटर में जाना है और आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपके आधार कार्ड नंबर से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। अगर लिंक नहीं होगा तो आपको लिंक कर लेना है, तभी आपके आधार कार्ड नंबर पर ओटीपी आएगी और आप आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर सकते हो। उसका दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड की ओटीपी आ चुकी है, दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल से अपने ओटीपी डाल देने और आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर सिंपल से आपको टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि प्लीज एंटर योर 6-डिजिट सिक्योरिटी पिन टू साइन अप। आपने जो भी 6-डिजिट की पिन सिक्योरिटी पिन अपनी सेटअप किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आप ना भूल सके, वैसा आपको यहाँ पे सेटअप कर लेना है 6-डिजिट पिन। आप जैसे ही डाल देते हो, आपको सिंपल सा डन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लोडिंग होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजी लॉकर फेज सक्सेसफुली यहाँ पे अपना हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना जो आधार वेरिफिकेशन था वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार वेरीफाई का ग्रीन टिक भी लग चुका है। तो दोस्तों, अभी आपको बता देता हूँ कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम आती है। आपको ओटीपी नहीं आती तो आपको सबसे पहले सेंटर में जाना है, आधार कार्ड सेंटर, वहाँ पे आपको चेक कर लेना मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं होगा तो लिंक कर लेना, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सेकंड जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों, एक डॉब यानी कि बर्थ डेट चेंज करना भी रहता है सेकंड प्रॉब्लम में। तो आपको सिंपल सा बर्थ डेट को चेंज कर लेना है। आप जैसे आधार कार्ड की बर्थ डेट चेंज कर लोगे अपने आधार एप्लीकेशन की, तो वैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।